ईटिंग हेल्दी ऑब्वियसली, अगर हम अपने नॉर्थ इंडियन फूड की बात करें तो हम क्या खाते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि हम ऑयल कौन सी यूज़ कर रहे हैं। खासकर हार्ट हेल्थ की जब चर्चा आती है तो ये बात ज़रूर पूछी जाती है। तो एक बात तो तय है कि हाइड्रोजनेटेड फैट, जिसको कि पहले हम डालडा या उस नाम से लिया करते थे, जो कि नमकीन बनाने में बहुत प्रयोग होता है, तो वो हार्ट के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि बॉडी उसको पूरे तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाता और उसकी वजह से उसके कोलेस्ट्रॉल, उसकी कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन प्लाक्स के रूप में होती है। मगर जो भी नेचुरल ऑयल्स हैं, नेचुरल ऑयल्स मस्टर्ड ऑयल हो, इवन कोकोनट ऑयल हो, ओलिव ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, तो ये ज़्यादातर जो नेचुरल ऑयल्स हैं, दे आर इन लिमिटेड क्वांटिटी, दे आर ओके फॉर द कुकिंग मीडियम एंड दे आर ओके फॉर द हेल्थ। ऐसा मानते हैं कि ये जो ऑयल्स हैं वो अच्छे हैं, क्योंकि जो अनसैचुरेटेड फैट्स बोलते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैट एंड पॉली अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड फैट, दे आर कंसिडर्ड बेटर देन द सैचुरेटेड फैट। तो इस इन इन चीज इनमें ये जो ओलिव ऑयल या कैनोला ऑयल या सनफ्लावर ऑयल, ये सारी चीज़ों में उसकी क्वांटिटी ज़्यादा मिली, इसलिए इसको प्रेफर किया गया।